होमोजीनियस ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुने, सेम, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर क्या हो, सेम हो, ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, मैंने लिखा xy प्लस y स्क्वायर dy बाय dx माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये होमोजीनियस इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है, इसमें y का पावर 2 है, x का पावर, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इनका पावर ऐड करूंगा 1 प्लस 1 कितना होगा, सबका पावर 2 है ना, मतलब ये कैसी इक्वेशन है, 2 हो 1 हो 3 हो उससे लेना देना नहीं है, बोला है कि सबका पावर क्या होना चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होकर क्या होना चाहिए, सेम, अगर ये पावर वाला जो क्राइटेरिया है अगर वो सेम है तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। क्योंकि सबका पावर सेम है, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, dy / dx एक जगह, बाकी सबको एक जगह, और फिर हम लोग पुट करेंगे y = vx, क्या पुट कर देंगे, और फिर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dy / dx समथिंग कुछ आएगा, फिर जहां जहां dy / dx उसकी लिए फिर ये वाली वैल्यू क्या करने का, पुट करने का, ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बस अब हो जाएगा, और फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पीछे हम लोगों ने पढ़े, आप उससे उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूं, आपको आईडिया मिलेगा, देखो यहां पे एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा यहां पर ना dy / dx भी बनता है और d और dx / dy भी बनता है, दोनों चीज पॉसिबल है। हां बच्चों देखेंगे एज पर सिनेरियो दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। जैसे हम यहां पर पहला प्रॉब्लम देखें, क्या बोल रहा है, x sin y / x dy is equals to y sin y / x minus x dx। साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं यहां पर y is equals to vx लेता हूं तो y / x किसके बराबर हो जाएगा, v के, अगर x को देखो तो y / x की जगह क्या हो जाएगा, v। पहला तो सही सिंपलीफाई हो जाएगा, दूसरा देखो यहां पर x का पावर 1 है, यहां पर y का पावर 1 है, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस है तो सर dy / dx को एक जगह बाकी सबको, तो मैं ये dx को नीचे ले आऊं, dy / dx, यहां पर क्या है y sin y / x minus x upon x sin y / x बन गया टाइप। नाउ पुट y is equals to vx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या होगा dy / dx, इसमें लगेगा uv, u डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, x dv / dx, यहां पर dy / dx की जगह क्या आएगा, चलो v plus x dv / dx, सही है ना, यहां पर y की जगह क्या बन रहा है vx, sin y / x की जगह पर v minus x, ऐसी x sin v, दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हो, चलो क्या बचेगा v sin v minus 1 upon x sin, सही है, x से x प्लस v उठा के इधर ले आओ, क्या हो जाएगा x dv / dx, x dv / dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, v sin v minus 1 minus v sin v upon sin, सही है, चलो माइनस वी साइन वी से प्लस वी साइन वी, क्या बचा एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन, अब देखो अगर मैं साइन वी को इधर फेंक दूं तो साइन वी डी वी माइनस डी एक्स ऊपर एक्स हो गया वेरिएबल सेपरेट। नाउ इंटीग्रेट, ये तो पुराना टाइप है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस वन बाय एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस लॉग एक्स इधर आया तो प्लस, एंड व्हाट इज वी सर वाई बाय एक्स, री सब्स्टिट्यूट करना इजी, यही है भैया,
कोई दिक्कत? एक टाइम और देख लो इसी में, इसी में तीसरा देखो। तीसरे वाले को अगर ध्यान से देखेंगे बच्चे लोग, क्या दे रहा है? 1 + 2e^x/y। देखो क्या दिया है, 2e^x/y, 1 - xy/dy/dx। अगर आप ध्यान से देखो बच्चा लोग, तो इसमें x by y दिया है ना, तो होशियारी तो यही होती कि x by y रखो सर इस बार, y by x, समझे मैंने क्या बोला? अगर मैं y is equals to vx लेता हूं, तो y by x की वैल्यू b होगी ना, बट अगर मैं x is equals to vy लेता हूं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x by y किसके बराबर होगा? b के। और यहां पर x by y की जगह फिर हम लोग b लिख पाएंगे, काम आसान हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे dx/dy, क्या बनाएंगे? dx/dy। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा प्लस उठा के इधर ले लो, क्या हो जाएगा? 2e^x/y, 1 - xy/dy/dx is equals to minus of 1 + 2e^x/y। ये माइनस इधर, dx ऊपर, dy, 2e^x/y, 1 - xy/y, आ रहा है माइनस ऑफ 1 + 2e^x/y इज इक्वल्स टू dx/dy। सही है चलो, अब बन गया टाइप। यहां पर हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू vy और डिफरेंशिएट करेंगे y, डिफरेंशिएट किससे करेंगे? तभी तो dx/dy बनेगा। तो dx/dy, u डेरिवेटिव ऑफ y इज 1 + y dv/dy, x नहीं है याद रखना, नहीं तो गड़बड़ी कर दोगे। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx by dy की वैल्यू कितनी आई? v plus y dv by dy, यहां पर 2, x by y की वैल्यू कितनी होगी? v ना, ऐसे यहां पर 1 minus v upon नीचे minus of 1 + 2e^v। सही है? प्लस v को उठा के इधर ले आओ, तो y dv by dy, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2e^v - 2ve^v, ये प्लस इधर आया तो माइनस हो जाएगा। सही ना? चलो ऐसा लिखते हैं, इसको भी बाहर निकाल दो, -1 - 2e^v, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा देखो, 2e^v - 2ve^v, माइनस माइनस प्लस e^v, माइनस माइनस प्लस 2ve^v अपॉन -1 - 2e^v, आया ना? ये और ये दोनों में e^v है ना, माइनस वी और वन, हाँ प्लस वी होगा, तो क्या बचा? 2e^v प्लस, और यहाँ पर यहाँ से चाहिए तो फिर से माइनस कॉमन निकाल के रखो, डी y dv by dy, सही है? अब dy ऊपर, y नीचे, बाकी सबको इधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस ऑफ 1 + 2e^v अपॉन v प्लस 2e^v dv, और यहां पर dy by y, सही है? इस पूरे को उठा के इधर ले, ये ऊपर गया और ये नीचे आ, ये dy ऊपर और y नीचे, v का डेरिवेटिव 1, 2e^v का 2e^v, f dash of x upon f of x, माइनस को बाहर रखना, log of mod of f of x, यहाँ पर log y, बताया था जब सब log में, तो इसको भी किस पे लिखेंगे? समझ में आया? सिंपलीफाई करो, log से log क्या कर दो? कैंसिल कर दो, और फिर v की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x by y, समझा? इजी है ना? पूरी एक्सरसाइज यही बनी, देखो, चलो कुछ सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर 6 देखो बच्चा लोग, क्या बोला है? dy by dx plus x minus 2y, 2x minus y is equals to 0, ये पूरा प्लस उठा के इधर ले लो, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ x minus 2y अपॉन 2x minus y, now we know that put y is equals to v, वही काम हर बार यही काम करना बच्चा लोग, differentiating with respect to x, तो dy by कितना जाएगा, v derivative of x is 1, फिर x dv by dx, ध्यान से देखो सब लोग, v plus x dv by dx minus 2 y की जगह क्या आएगा, v x,
ऐसे नीचे 2x y की जगह आएगा 3x, दोनों में से x कॉमन निकाल के क्या कर देंगे, कैंसिल, इस माइनस को अंदर भेज देता हूं, पहले एक काम करता हूं कॉमन निकाल लेता हूं, 1 माइनस 2v और यहां से 2 माइनस v, x से x प्लस v इधर आया तो x dv by dx, x dv by dx क्या होगा, चलो देखो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2v, माइनस v इनटू 2 माइनस 2v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v, माइनस 2v प्लस 2v v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस v x dv by dx, सेपरेट कर देते हैं फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस v अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 और यहां पर dv और ये dx अपॉन x, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इसको सेपरेट करना 2 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 1 upon x square minus a square और v upon v square minus 1 में 2 arrange कर देना, तो v square का derivative 2v 1 2 0 है, अरे समझा कि नहीं भाई, हो जाएगा sort, integration अब इतना उम्मीद करता हूँ आता होगा, नहीं basic आते हैं कुछ भी बोलते हैं आप, गलत expectation नहीं रखने का आप लोग, आठवां वाला देखो x square वाला दिया है साफ साफ दिख रहा है, तो इस बार x is equals to by रखेंगे, 9 बार ले लेते हैं, क्या दिया है y square minus x square dy by dx xy dy by dx minus x square इधर ले आओ plus x square हो जाएगा x square dy by dx plus xy dy by dx, दोनों में से dy by dx common, क्या बचा x square plus xy और यहाँ पर क्या बचा y square, वही नीचे कर देते y square girls, देखो बेटा मेरे को आता है, मैं आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, कर लेंगे सॉल्व, put y is equals to vx, sorry y is equals to vx, तो dy by dx किसके बराबर v plus x dv by dx, हर बार यही काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर v plus x dv by dx, y की जगह vx तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर x, y की जगह vx, x into x x स्क्वायर, दोनों में से x स्क्वायर ले लेना, तो v plus x dv by dx v स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लिया, 1 plus x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस v इधर आया तो माइनस v, सही है ना बच्चों, x dv by क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v स्क्वायर माइनस v इनटू 1 माइनस v प्लस माइनस माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस v अपॉन 1 प्लस v x dv by dx, dx ऊपर x नीचे 1 प्लस v इधर v नीचे माइनस में दे रहने देते dx अपॉन x, लगा दो इंटीग्रेशन सेपरेट कर देना, 1 अपॉन v का लॉग ऑफ मॉड ऑफ v, v अपॉन v तो कैंसिल हो जाएगा, अरे समझा कि नहीं भैया चिंदी, सेम गोस फॉर 11, देखो उसमें ना वैल्यूज दे दिया बच्चों, कुछ करना नहीं है, सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू रखना, c निकाल देना, अरे आंसर c के टर्म में आता है ना, तो c की वैल्यू जिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़े थे ना, तो c की वैल्यू के लिए कंडीशन दिया रहता था, तो यहां पर x और y की वैल्यू रख के c निकाल दो और वापस से नहीं सब्स्टिट्यूट कर देना, 12वां देखो क्या दे रहा है, कर लेंगे ना सॉल्व, जो फाइनली यहाँ पर बनी, ठीक है, मैं भी तो आंसर ही दे रहा था, x square dy by dx, x square plus xy plus y square, सर अपने को dy by dx एक जगह चाहिए, पूरी इक्वेशन को x square से डिवाइड कर देते हैं, तो dy by dx, x square upon x square 1, xy upon x square, तो एक x एक x, और यहाँ पर y square upon x square मतलब y by x था, साफ साफ दिख रहा है, y is equals to vx dy by dx किसके बराबर बोलो, dy by dx is equals to v plus x dv by dx, क्या होगा, चलो सर v plus x dv by dx यहाँ पर 1 plus v plus v square, ये v से ये v plus v इधर आएगा minus v cancel होगा, तो x dv dv by dx 1 plus v square, 1 plus v square नीचे और x dx ऊपर x नीचे, चिंदी ना,
लास्ट में री सब्स्टिट्यूट करना ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वी, सॉरी वी मतलब हाँ वी, और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी. नाउ व्हाट इज वी, वाई बाय एक्स. समझा? अब जैसे अगर वो वाई और एक्स की कुछ कंडीशन दिया होता तो दस में रखते और सी की वैल्यू निकाल लेते और फिर वो री सब्स्टिट्यूट कर देते इस इक्वेशन. हिंदी है होमोजीनियस. क्या होता है इसको? समझ में आ रही? मैंने अगर आपको याद होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के हमने दो मेथड पढ़े, तीन मेथड होगा सॉरी. पहला था वेरिएबल सेपरेबल, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, और तीसरा था होमोजीनियस. अब बात करते हैं चौथे टाइप का सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी पूरी एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर पैटर्न पर बेस्ड है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में एलडीई भी बोलते हैं इसको. टाइप क्या है? कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम दिखेगा या नहीं दिखेगा तो उसको बनाना पड़ता है. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. बेसिकली बोलने का मतलब यह है कि डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1 रहेगा और वाई का पावर कितना रहेगा? 1 रहेगा. ठीक है, यहाँ पर p और q x के टर्म्स में ही रहते हैं. किसके टर्म्स में रहते हैं? x के टर्म्स में रहते हैं. वो बाद में बताऊंगा p और q क्यों लिखते हैं हम लोग. तो इसका जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन जो मतलब हम लोग का जो आंसर होता है, सॉल्व करते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन को, सोल्यूशन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सोल्यूशन का फॉर्मूला है. सोल्यूशन ये वो वाला सोल्यूशन नहीं लिखते जो आंसर के लिए लिखते हैं, वो वाला सोल्यूशन नहीं, आंसर का सोल्यूशन बोलो. बच्चे उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं. इसका सोल्यूशन होता है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c. बड़ा आसान यही है बस. आपको कुछ अभी जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा सबसे आसान एक्सरसाइज इस चैप्टर की यही पहली वाली को निकाल दूंगी. आपको निकालना क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर q आप यहां से निकाल लो. आपको क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इसका आंसर भी लिख देता हूं. e raise to p dx. क्या था? चलो e raise to इंटीग्रल p dx. अभी सब सॉल्व करेंगे. ये क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, इस इक्वेशन में क्या करेगा? वैल्यूज को पुट कर लेगा और यहां पर इंटीग्रेशन है तो उसको इंटीग्रेट कर देना, खत्म. कभी कभी उल्टा भी बनता है. जैसे ये dy by dx है ना, तो dx by dy बन सकता है. तो यहां पर p x होता है. बस जहां जहां y है उसकी जगह x हो जाएगा. तो यहां पर जो सोल्यूशन बनेगा क्या बनेगा बच्चे? x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy plus c. and what is इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e raised to p dy. अरे समझा? दोनों पैटर्न है. क्लियर? अब मैं देखो प्रॉब्लम ले रहा हूँ, बड़ा आसान है. पहला प्रॉब्लम देखो, dy by dx plus 1 क्या है? पेज अच्छा, 6.5 सर यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई, बस पी की जगह पर यहाँ पर क्या है? 1 बाय एक्स, और क्यू की जगह क्या है? जनरल इक्वेशन dy / dx + py = q, p की वैल्यू इतनी, q की वैल्यू इतनी. अब हम लोग क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्या होता है इंटीग्रल? सॉरी, e / इंटीग्रल p dx. व्हाट इज p? 1/x. 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हम लोग पढ़े थे कि log जिसके पावर में वो और log का बेस अगर सेम होता है तो आंसर किस आ जाएगा? मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब बस लिख दो आंसर क्या है. y into integrating factor integration of q integrating factor dx plus c. ये था सॉल्यूशन. आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कितना आया? x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? q कितना था? x cube minus. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? इस x को मल्टीप्लाई कर लो, x is to 4 minus 3x dx. इंटीग्रेट मारो, x is to 5 upon 5 x square by x square. हो गया. अच्छा, है ना आसान? पूरे एक्सरसाइज इसी में. अरे समझा कि नहीं? एक और ले लेते हैं. जैसे ये तीसरा वाला देखो, चलो x plus 2y cube
देखो मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, dy by dx के तो आ जाएगा y upon x plus 2y cube. बनेगा क्या dy by dx plus py? नहीं सर, नहीं बनेगा. आप अगर पूरे को उठा के यहाँ तो q कितना रह जाएगा, है ना. हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं ना उल्टा कर देता हूँ. क्या कर देता हूँ, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है उसको सेपरेट नहीं कर सकता ना, बट अगर ये ऊपर आ जाए तो सेपरेशन पॉसिबल है. तो हम लोग इसको dx by dy बना, क्या बना देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x plus 2y cube, डिनोमिनेटर को मार दो सेपरेट. अरे मिस्टेक, अरे हाँ है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, एक y से एक y क्या कर दो, x by y plus 2y dx by dy होता तो p y px, क्या चल देखो x है ना यहाँ पे, इसको उठा के इधर ले लो, dx by dy plus minus 1 by y x. क्यों लिख रहा है ऐसा, मुझे कंपेयर करना है ना, फॉर्मूले में क्या है प्लस, इसीलिए मैंने क्या लिखा, और फिर x के साथ में जो भी हो मेरा p होगा ना, तो मैंने उसको सेपरेट लिखा. अरे समझा कि नहीं, उमायरा अच्छा काम ऐसा लिखा, प्लस x by y इधर आया तो सही है. अच्छा मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, dx by dy प्लस ऑफ माइनस वन बाय वाई एक्स. अब बोलो वही, बस मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्यों लिखा, कंपेयर करो इससे, तो चाहिए था आप लिख लो dx by dy प्लस p x इज इक्वल्स टू q, तो p की वैल्यू माइनस वन बाय वाई, q की वैल्यू मिल गया p, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना, e रेज़ टू p dy. नाउ व्हाट इज p सर, माइनस वन बाय वाई, माइनस वन बाय वाई का लॉग, माइनस को ऊपर पावर में ले आओ तो e रेस टू लॉग ऑफ y रेस टू माइनस, मल्टीप्लिकेशन में ना तो कहाँ चलेगा, फिर दोनों का बेस सेम है तो y माइनस, सही है ना. चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वन बाय y, मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. लगाओ सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग, ये dx by dy वाला x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया 1 अपॉन q, कितना था 2y स्क्वायर 1 अपॉन y dy प्लस c, एक y से एक y तो x अपॉन y 2y प्लस सॉरी 2y dy प्लस, कितना आसान है ना, तो बाहर y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, उसे 2 बस हो गया, इजी. हां यही है एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज इसी में चलेगा.